हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी दोस्तों। आज हम बनाएंगे बथुए की सब्ज़ी, जो दिसंबर और जनवरी के महीने में खेतों में पाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है और शरीर के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। इसके अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए बहुत ही बिल्कुल ताज़ा है बथुआ, इसकी सब्ज़ी बनाएंगे आज। अब इस बथुए को हम काट लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट बथुए की सब्ज़ी बनेगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से जो है हमें काटना है बथुए को, धीरे धीरे कर कर। इसकी जो जड़ें हैं उसको अलग कर दें पहले आप, और बिल्कुल अच्छे से पानी से धो लें। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से जो है काटना है, धीरे धीरे कर कर पूरे बथुए को काटना है। ये लगभग हमने 1 केजी बथुआ लिया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से काटना है हमें। तो वीडियो में लगातार बने रहें, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनने वाली है, स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी। ऐसे करके सभी बथुए को हम इस तरीके से बिल्कुल काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने पूरे बथुए को बिल्कुल इस तरीके से काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में। और अब हम इसे उबाल लेंगे, बिल्कुल अच्छे से गर्म पानी में इसे उबालना है हमें। तो वीडियो में लगातार बने रहें, बहुत ही स्वादिष्ट बथुए की सब्जी बनने वाली है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने जो बथुआ है उसको उबाल लिया था। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से उबाल लिया हमने, और इसको अच्छी तरह निचोड़ लिया हमने, पानी को बिल्कुल अलग कर दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब ये सब्ज़ी बनाने के लिए बिल्कुल ये बथुआ तैयार है। और अब हमने 2 छोटी हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है, एक टमाटर को बारीक कट कर लिया है, 2 छोटे प्याज जिनको हमने काट लिया है, ये नमक है स्वाद अनुसार डालेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, ये 8 से 10 कलियां लहसुन की हैं जिन्हें हमने बारीक पीस लिया है, ये आधी छोटी चम्मच हमने हल्दी ली है, 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, और ये 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप रिफाइंड तेल भी काम में ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गैस को जलाते हैं। ये देखिए गैस को जला लिया है, और इसके ऊपर कढ़ाई भी रख दी है। कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने दें 1-2 मिनट तक। अब जो हमारी कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुकी है, इसके अंदर तेल डालेंगे। ये देखिए तेल को हमने डाल दिया है, और बिल्कुल अच्छे से तेल को गर्म करना है हमें। अब हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, और लहसुन के टुकड़े डालकर हम इसे चेक करेंगे ये गर्म हुआ है नहीं। देखिए टुकड़े थोड़े थोड़े जो है ब्राउन होने लगे हैं लहसुन के टुकड़े, आप जीरा डालकर भी चेक कर सकते हैं। तो अब जो हमारा तेल है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची डालेंगे, और अब प्याज डालेंगे इसके अंदर। देखिए, और इनको बिल्कुल अच्छे से ब्राउन करना है हमें, बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, ये देखिए, और इसको भी मिक्स कर लें चम्मच से। अब हमारी हरी मिर्च, प्याज और जो टमाटर हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर बथुआ डालेंगे जो हमने उबाल रखा है पहले से। ये देखिए पूरा बथुआ एक साथ ही डालेंगे, और इनको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी के अंदर। ये देखिए अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, ये हल्दी डाल दी हमने, और इसको भी मिक्स कर दें चम्मच से। चम्मच को लगातार चलाते रहें इसके अंदर। अब जो हल्दी है वो हमारी पक चुकी है, अब हम इसके अंदर मिर्ची पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, लहसुन का जो पेस्ट बना रखा है वो डालेंगे,
नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे इसके अंदर, ये देखिए, और सभी को बिल्कुल अच्छे से जो है मिक्स कर दें, बथुए के अंदर बहुत मिक्स कर दें। बथुए का बहुत ही लाजवाब सब्जी बनता है और हमारे शरीर के लिए पौष्टिक भी होता है, बथुए का सब्जी ज़रूर खाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो बथुए का सब्जी है वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है, और ये सब्जी बनाने में हमें 5 से 7 मिनट लगते हैं। बिल्कुल आसानी से जो है ये सब्जी हम अपने घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही सरल विधि है, तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों को। कोई भी हार्ड नहीं है ये सब्जी, बथुए का सब्जी बनाना बहुत ही सरल विधि है। तो वीडियो में लगातार बने रहें। हाँ दोस्तों, अब हमारा सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन चुका है, और अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सब्जी को अलग बर्तन में निकाल लिया है, बहुत ही लाजवाब सब्जी बनी है हमारी बथुए की सब्जी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।